वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम आपका अक्टूबर में है, 15 और 16 अक्टूबर को। आज से लगभग 42 डेज ही बाकी बचे हुए हैं और यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर रिवीजन चल रहा है। तो अगर आपने इसको नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपी ट्रिपल एससी पीटी के नाम से, तो वो जरूर ज्वाइन कर लें। उस पर डेली आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है और क्विज लगवाए जाते हैं और क्विज का जो पैटर्न होता है ना वो बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो जरूर से लगाएं, उसका लाभ लें, ज्वाइन कर लें उसको और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे हिंदी विषय का एक अन्य टॉपिक संधि। संधि आज पढ़ेंगे, इसके पहले हिंदी विषय का एक टॉपिक है महत्वपूर्ण लेखक और रचनाकार, तो वो हमने कवर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल, दो वर्ण जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार होता है या फिर जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। जैसे कि दो वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 है, आ से लेके औ तक, और इसके अलावा बाकी बचे सभी व्यंजन हो जाते हैं। तो जब दो वर्ण मिलते हैं उनको कहते हैं संधि, और जब दो वर्ण अलग होते हैं, एक वर्ण से जब दो वर्णों को अलग किया जाता है तो उसको कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे कि हिमालय, हिमालय में हिम और आलय मिलकर बनाए हिमालय, हिम और आलय से बनाए हिमालय, और यह है एक संधि, हिमालय एक संधि हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को अलग कर दें, हिमालय शब्द को अलग करें, हिम प्लस आलय कर दें, तो यह कहलाएगा संधि विच्छेद। जैसे कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अति, धन, अधिक, यह संधि विच्छेद कहलाएगा। तो ये दो चीज़ क्लियर करिए आप। संधि में दो चीज़ें होती हैं, एक तो संधि बनती है या फिर संधि का विच्छेद होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे अर्थों में संधि का सामान्य अर्थ मेल है, इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। उन पदों शब्दों का मूल रूप में पृथक कर देना ही संधि विच्छेद है। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि संधि क्या है? संधि यानी कि मेल, और विच्छेद यानी कि उन दोनों का अलग हो जाना, वर्णों का अलग होना। इसके बाद संधि के भेद हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भेद है संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। महत्वपूर्ण है ये, और यहीं से उदाहरण पूछे जाते हैं। स्वर संधि की चर्चा करें, अगर स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों को आपस में मिलाया जाता है या फिर जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार होता है, उनसे जो परिवर्तन होता है शब्द के अंदर, उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर कहाँ है? स्वर आ से लेके औ तक है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ, ये स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 है। तो जब ये स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए यहाँ पर विद्या धन अर्थी विद्यार्थी बन गया। कैसे? विद्या, विद्या में अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, और प्लस फिर अर्थी में, अर्थी का जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, वो कौन सा है? आ है। तो आ और आ मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ बन गया विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, बड़ा आ गया विद्यार्थी में। तो स्वरों का मेल हुआ, आ भी एक स्वर है, आ भी एक स्वर है, तो दोनों स्वरों का मेल हुआ। तो इसी प्रकार जब स्वरों के मिलने से परिवर्तन होगा या विकार होंगे, वहाँ पर स्वर संधि होगी। और उदाहरण देखें तो विद्यार्थी हो गया, सूर्यधन उदय सूर्योदय, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, कविधन ईश्वर कवीश्वर, महाधनीश महेश। ये अलग अलग स्वर संधियों के प्रकार हैं, क्योंकि स्वर संधि भी अपने आप में 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, और सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखें, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि एक बड़ी मात्रा बनती है। कैसे? छोटा आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इनके बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो मिलकर बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ और री बन जाएंगे। बड़ी मात्रा बन रही है, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा और री बनेगी। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं,
छोटा आ, छोटी छोटा उ और ई, ये हस्त स्वर हो जाएंगे। इसके अलावा जो दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा होती है, जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ, ये सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो हस्त स्वर या दीर्घ स्वर कोई भी आए इन स्वरों के बाद में, तो बनना क्या है, दीर्घ स्वर ही बनना है, बड़ा ई, उ और ई बनेंगे। उदाहरण के तौर पर छोटा और छोटा मिलेंगे तो बड़ा बनेगा, जैसे कि अत्र धन अभाव, अत्राभाव, कौण धन अर्क, कौणार्क। इसके बाद बड़ा आ और छोटा आ मिलके बने तो भी बड़ा आ बनेगा, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, लज्जा धन अभाव, लज्जा भाव। इसके अलावा छोटा आ धन बड़ा आ मिलकर बनेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, शिव धन आलय, शिवालय, भोजन धन आलय, भोजनालय। बड़ा और बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ ही बनना है, विद्या धन आलय, विद्यालय, महाधन आशय, महाशय। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी में बड़ा आ ही बन रहा है, मात्रा बड़ी ही बनेगी, ठीक है। इसके बाद ई और ई मिलकर बड़ी ही बन जाएगी, छोटी ही बड़ी मिलकर बड़ी ही बनेगी, बड़ी ही या फिर छोटी ही मिला लो तो बड़ी ही बनेगी, या फिर छोटी ही और छोटी ही मिला लो तो भी बड़ी ही मिलेगी, बड़ी ई और बड़ी ई मिला लो तो भी बड़ी ही बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी बड़ी मात्रा ही बन रही है। गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र, गिरिधन ईस, गिरीस, महीधन इंद्र, महीन्द्र, पृथ्वीधन ईस, पृथ्वीस। अब यहाँ पर पृथ्वी में वाक के बाद ई, बड़ी ई की मात्रा है और ई में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो पृथ्वीस क्या बना, बड़ी, बड़ी मात्रा बनी ना। तो इसी तरीके से अन्य में भी बनेगा, उ और उ, बड़ा उ, भानु धन उदय, भानुदय, स्वयंभू धन उदय, स्वयंभूदय, पितृधन ऋण, पितृण। तो इस प्रकार ये दीर्घ संधि है जहाँ पर बड़ी मात्रा बनेगी। तो याद रखना है, नियम याद रखिए, उदाहरण आपसे बन जाएंगे। नियम में क्या है, कोई भी जो स्वर है उसके बाद अगर हस्त स्वर आए या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, उ और ई बनाएंगे, क्लियर है। आगे देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, यदि आ या फिर बड़ा आ के बाद ई या फिर बड़ी ई आए, उ या बड़ा उ आए या फिर ई आए, मतलब छोटा आ और बड़ा आ के बाद अन्य कोई स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ए, ओ और अर, ए, ओ और अर बनेंगे। तो गुण स्वर संधि में याद रखना है क्या बनता है, ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। जहाँ पर आपको संधि में जो ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए और अर की मात्रा दिख जाए, समझ लेना गुण स्वर संधि है। कैसे, देवधनेन्द्र, देवेंद्र, देवेंद्र, देवंद्र, देवधनीश, देवेश, यहाँ पर देवेंद्र होगा, बा में भी एक ही मात्रा आएगी, महाधन ईश, महेंद्र, एक ही मात्रा बन रही है ना, चंद्रधनोदय, चंद्रोदय, ओ बन गया यहाँ पर, एक दो तीन इन सब में ए बना, यहाँ पर ओ बन गया। अब वो ओ क्यों बना, छोटा आ के साथ ऊ मिला तो ओ बन गया, छोटा आ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ओ, ओ बन जाएगा। समुद्र धन उर्मी, समुद्र उर्मी। इसके बाद बड़ा आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी ओ बनेगा। महाधन उत्सव, महोत्सव, गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। और आ के साथ री मिलेगा तो अर बनेगा, और बड़ा आ के साथ री मिलेगा तो अर बनेगा। देवधन ऋषि, देवर्षि, वर्षि, वर्षि, अर आ रहा है ना, वर्षि, अर्षि, महर धन ऋषि, महर्षि। तो क्या याद रखना है, गुण स्वर संधि में याद रखना है ए, ओ और अर बनेंगे। उदाहरण याद रख लें, देवेंद्र, देवेश, महेंद्र, चंद्रोदय, ओ बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद करना है। अगली स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। नियम क्या है, छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ए या ए आए, आए तो दोनों के स्थान पे ए तथा ओ, और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। आ और ए मिलकर बड़ा ए बनाएंगे, आए बनाएंगे, तो एक धन एक, एक एक, एक ही मात्रा बन गई ना। आ धन और ए मिलकर ए बनाएंगे, नव धन ऐश्वर्य, नवैश्वर, आए बन गया। आ धन बड़ा आ धन ए मिलकर आय बनाएंगे, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर, आधन ओ मिलकर आओ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये तो आय बन रहा है और आओ बन रहा है। आय और आओ जहाँ देखें वहाँ पर क्या है, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ठीक है। ओ और आओ, आओ बन गया। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, परम धन औषध, परमौषध, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। तो इस तरीके से उदाहरण याद रखें। अगली स्वर संधि है यण स्वर संधि। नियम देखेंगे, नियम है
छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और ई का यू बन जाएगा, ऊ और ऊ का वा बन जाएगा और री का रा बन जाएगा। अब याद क्या रखना है, याद रखना है मात्र आपको यू वा और री बनता है, इसमें यू वा और रा बनता है। उदाहरण देखेंगे, यदि धन अपि यद्यपि या बन गया, प्रतिधनिक प्रत्येक ये बन गया, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक बड़ा या बन गया, सखी धन आगमन सख्यागमन बड़ा या बन गया, अतिधन उत्तम अत्युत्तम यू बन गया, विधन उह व्यूह बड़ा यू बन गया, उधन आ वा बनेगा, अनुधन अव अन्वय, सुधन आगत स्वागत, अनुधन वीक्षण अनुवीक्षण, बधुधन आगमन वध्वागमन, अनुधन ऐषण अन्वेषण और बधुधन ऐश्वर वध्वैश्वर। यहाँ पर क्या बना, वय बना। तो ये मात्राएं याद रखें। इसके बाद अगली स्वर संधि देखेंगे, इसमें कुछ और उदाहरण बाकी हैं ये भी देख लेते हैं। ई और ए मिलकर अय बनेगा, री और आ मिलकर रा बनेगा, जैसे कि देवी धन ऐश्वर्य देवेश्वर, मातृधन आनंद मात्रानंद, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, री धन आ रा बनेगा। उदाहरण इसका है, पितृधन अनुमति पितृअनुमति, मातृधन इच्छा मातृच्छा, री बन गया यहाँ पे। तो रा री ये रा यू बड़ा यू आ या ये और ये, तो या वा और रा, यहाँ परिवर्तन या वा और रा में हो रहा है। या वा रा की विभिन्न मात्राएं हैं, छोटा या बनेगा बड़ा या, छोटा यू बड़ा यू, छोटा वा बड़ा वा, वे बनेगा वय बनेगा, रय बनेगा यय बनेगा, रा बनेगा और री बनेगा। ठीक है, इन्हीं की मात्राएं हैं। यहाँ पर भी और चीज़ों के बारे में एक साथ दे दिया गया है, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए आसान रहे। तो एक साथ सभा सब यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है, समझने के लिए आसान रहे, तो एक साथ सारी मात्राओं का परिवर्तन दिखाया गया है। इसके बाद अयादि स्वर संधि देखेंगे। अयादि स्वर संधि का नियम है, यदि ए और ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर, अयादि स्वर संधि का नियम है, यदि ए और ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो का ए का आए, खा ए का आए बनता है और ओ का औ बनता है और औ का आओ बन जाता है। साधारण रूप से समझेंगे कि क्या बनेगा, इसमें ये आई आओ आए आओ अभी आओ आबू और आबी बनेगा, आओ ये इस टाइप की चीज़ें बनेंगी, जैसे कि ए और आ मिलके आए बन गया, ए और ई मिलके आई बन गया, ओ और ई मिलके आओ बन गया, ए और आ मिलके आए बन गया, ओ और आ मिलके आओ बन गया। ठीक है, तो ये सारे जो परिवर्तन हैं ये किस में मिलेंगे, अयादि स्वर संधि में। अयादि के नाम में ही आ और या जुड़ा है, तो जहाँ पर आपको आ और या का परिवर्तन दिखे वहाँ पर अयादि स्वर संधि है। क्लियर है, तो ये हमने देखी स्वर संधियाँ। मुख्य तौर पर आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के उदाहरण याद रखने हैं आपको, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। और एक नज़र बाकी सारी स्वर संधियों पर भी देख लीजिए, डाल लीजिए, तो आपके लिए आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहें, तैयारी को जोरों शोरों से करें, बहुत ही कम समय बचा है और अभी भी इतना समय बचा हुआ है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पीईटी की। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो सकता है। इस बार सिर्फ क्वालिफाई करना आवश्यक नहीं है, आपको बहुत अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई करना है, आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है, 80 प्लस स्कोर आपको टारगेट करके चलना है, 85-90 के बीच। क्यों? क्योंकि आपने लेखपाल के एग्ज़ाम में देखा ही होगा कि कट ऑफ मुख्य परीक्षा के लिए कितना ऊपर गया। तो अगर आप 80 प्लस स्कोर करके चलेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सब के कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे, उन सब के कट ऑफ के आप बाहर रहेंगे। तो आप वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपको सारे एग्ज़ाम देने मिलेंगे जितने भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आएंगी। तो आप ये पेपर इसलिए ही तो दे रहे हैं ना कि आप जो भी वैकेंसी आए उनका फॉर्म भर पाएँ। अगर आपने कट ऑफ ही क्लियर नहीं किया तो फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इसलिए अच्छा स्कोर का टारगेट करके चलें और तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करें, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को आज ही सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको क्विज मिल जाते हैं जो कि ऑफिशियल एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही लगवाए जा रहे हैं, बहुत ही मेहनत के साथ तैयार करवाए जाते हैं, तो ज़रूर उसका लाभ लें, आप ही लोगों के लिए है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।